हेलो दोस्तों, मैं तन्वी एवरेस्ट क्लासेस से द हिंदू ट्यूटोरियल के इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट फोर सेक्शन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस पूरे लेक्चर को आप एक नेटिव स्पीकर्स किस तरह से बन सकते हैं, इसके रिगार्डिंग अपने कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह से बेटर कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ सेक्शंस हम लोग लेकर आए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, मगर बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है आपको। तो हम मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं आप उसे देख करके आप अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को इन्हेंस करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, ये भी आप समझ सकते हैं। प्लस सबसे पहले सारे वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। जैसे कि क्या डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, तो सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस, पांच इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग डिस्कस करेंगे उनकी इंग्लिश और हिंदी मीनिंग्स के साथ। एंड द नेक्स्ट वन इज विथ एग्जाम्पल्स, ऑल्सो एक्सप्लेन्स विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज आवर एप्पल पाई ऑर्डर, मीन्स पूर्ण व्यवस्था, मीनिंग इज इन गुड कंडीशन। आप किसी अच्छे कंडीशन में सारी व्यवस्थाओं के साथ, यानी कि किसी चीज़ की कमी ना हो, उसे एप्पल पाई ऑर्डर कहते हैं। एंड एग्जाम्पल इज देयर हाउस इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर, मीन्स हमेशा व्यवस्थित या वहाँ पर पूर्ण आप बोल सकते हैं व्यवस्था रहती है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि देयर हाउस इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर। सेकेंड वन इज एट अ लॉस, मीन्स फैसला करने में असमर्थ होना। आप कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग कोई भी निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं हमारे द्वारा, या कोई प्रॉब्लम्स हमें आती हैं तो उसे हम लोग जो फैसला लेने में असमर्थ होते हैं, तो वहाँ पे एट अ लॉस हम लोग idioms and phrases का use करते हैं। and the meaning is to be unable to decide, and the example is I am at a loss to explain what happened, जो हुआ है उसे बताने में मैं असमर्थ हूँ। third one is at a pinch, means जरूरत पर, यानी कि जब आप ट्रबल होप में रहते हैं या फिर जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं आपके साथ वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे हम लोग at a pinch idioms and phrases use करते हैं। एंड द मीनिंग इज इन अ ट्रबल, एंड एग्जाम्पल इज वी यूजअली ओनली एक्सेप्ट 55 गेस्ट बट एट अ पिंच वी कुड टेक 60। यूजअली आमतौर पर हम लोग 55 गेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ने पर या फिर ज़रूरत अभी मुसीबतों में हम लोग 60 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एट आर्म्स लेंथ, मीन्स दूरी, दो लोगों के बीच में दूरी है या फिर आप एक दूसरे सामने वाले को अवॉइड करते हैं, उनको फेस नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कभी कभी रिलेशंस में भी दूरियां आ जाती हैं, तो उसे हम लोग एट आर्म्स लेंथ बोलते हैं। एंड द मीनिंग इज़ अवॉइड, एंड एग्जाम्पल इज बिकमिंग टू फ्रेंडली केप्ट द न्यू कमर एट आर्म्स लेंथ एट फर्स्ट। ज़्यादा फ्रेंडली से ज़्यादा न्यू कमर्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा फ्रेंडली होने के बजाय उनके साथ एक दूरी मेंटेन करना, यानी दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। फिफ्थ वन इज़ एट डैगर्स डॉन, मीन्स जानी दुश्मन, आप बोल सकते हैं जिनसे बहुत बिटरली दुश्मनी है, बहुत आप उनको फूटी आँख ना सुहाना भी आप बोल सकते हैं एट डैगर्स डॉन पे। The meaning is to have bitter enmity, and the example is the member of the committee are at daggers drawn because they cannot agree on a course of action. इन बस मैं अपने वीडियोस में पांच पांच idioms and phrases यूज कर रही हूँ ताकि ईजी वे में आप उसे सुने, और पांच idioms and phrases को याद रख पाना उतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं बल्क में दे दूँ तो आपके लिए प्रॉब्लम होंगे, इसलिए मैं अब छोटे छोटे विथ एग्जांपल्स दे दे रही हूँ, आप उन्हें डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। अब बेसिकली आप जब इनका यूजेस करना आप यूज़ करेंगे तो आपकी ये हैबिट्स में डेवलप होगा और आपके कम्युनिकेशन स्किल ऐसे ही डेवलप होते चले जाएंगे। तो हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस को सुनिए और उसे प्रैक्टिस में लाइए, एंड होपफुली यू विल इन्हांस योर कम्युनिकेशन स्किल। एवरेज टारगेट IAS 64th BPSC PT टारगेट बैच आर गोइंग ऑन, एंड द टाइमिंग इज 4 PM टू 7 PM। फिर ओ फॉर एनी क्वेरीज यू मे कॉल अस ऑन 9334489006, 9334489006।
Thank you for watching this video. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.